दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप को लेकर आया बड़ा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अभी मनीष कश्यप के गांव में मनाई गई खुशियां, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि आज फाइनल मनीष कश्यप का पटना कोर्ट में मनीष कश्यप की दूसरी बार सुनवाई हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप पटना हाई कोर्ट में यह सफलता मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट के समक्ष उनके वकील ने सोशल मीडिया का समर्थन रखा है और दोस्तों बोला है। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट में पूरा बिहार मनीष कश्यप के साथ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अकेले तेजस्वी यादव का कहने से दोस्तों मनीष कश्यप को दोष कैसे हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने काफी सोच समझ कर विचार के बाद बोला 26 अगस्त के हम दोबारा जनता का समर्थन देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद ही फाइनल फैसला बताया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट देखेगी मनीष कश्यप को, इसके बाद दोस्तों कोर्ट में मनीष कश्यप के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, दोस्तों मनीष कश्यप को एक सच्चा फैन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को 26 तारीख को रिहाई डेट रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों जितना सोशल मीडिया के जरिए मनीष कश्यप को सपोर्ट करेगा उतना जल्द ही मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप ईमानदारी के साथ काम करते थे, लेकिन कुछ विरोधी लोग ने मनीष कश्यप के ऊपर झूठा आरोप लगाकर इसे फंसा दिया है। दोस्तों आपको इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी मनीष कश्यप का सच्चे वाले फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।